हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टूडियो में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश आईटीआई 2019 के संबंध में खबर लेकर के आपके समक्ष हाजिर हो चुके हैं। जी हाँ, एक बड़ी खबर आ रही है कि आईटीआई में गरीब सवर्ण आरक्षण लागू होगा, जो 10% रिजर्वेशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1 फरवरी से अप्लाई हो गया है पूरे देश में। आईटीआई की परीक्षा का समय होगा 2 घंटा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले 3 घंटा था, अब 2 घंटा होगा। और एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है उत्तर प्रदेश आईटीआई 2019 के लिए, रजिस्ट्रेशन का, एंट्रेंस के लिए, तो इसके संबंध में पूरी खबर लेते हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे, खबर लेते हैं पूरी पूरी, लेकिन उससे पहले चाहेंगे चैनल पर जो हमारे मित्रगण पहली बार आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बगल में लगे बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि आने वाली हर छोटी बड़ी सूचना जो कि उत्तर प्रदेश आईटीआई 2019 के संबंध में हो, हम आप तक आसानी से पहुँचा सकें। तो मित्रों, अब बढ़ते हैं, पूरी खबर लेते हैं बारी बारी से, देखते हैं आईटीआई में जो 10% रिजर्वेशन है, गरीब सवर्ण आरक्षण, इसके संबंध में पूरी खबर लेते हैं। पहले यहाँ से ये खबर दे सकते हैं जो न्यूज़पेपरों में आज छाई हुई है कि आईटीआई में गरीब सवर्ण आरक्षण लागू, 30% सुपर न्यूमेरेरी कोटा ख़त्म, इसी को गरीब सवर्ण आरक्षण में किया परिवर्तित। ये दे सकते हैं, 30% जो सुपर न्यूमेरेरी कोटा था उसको ख़त्म कर दिया गया है और 10% गरीब सवर्ण आरक्षण में इसको परिवर्तित कर दिया गया है। और पूरी खबर ले लेते हैं, देख लेते हैं जूम करके। कानपुर से खबर है ये, देश भर के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी आईटीआई में नए सत्र से गरीब सवर्ण आरक्षण लागू कर दिया जाएगा। हालांकि इसके बावजूद राजकीय आईटीआई में सीटों की संख्या में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, निजी आईटीआई में जरूर करीब 1,05,000 सीटें बढ़ जाएंगी। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने इस आरक्षण को लागू करने का नया तरीका खोज निकाला है, तय किया है कि अभी तक देश भर में लागू 30% सुपर न्यूमेरेरी कोटा को ख़त्म कर दिया जाएगा और इसकी जगह गरीब सवर्ण आरक्षण लागू होगा। मतलब कोटे की संख्या पहले ही तरह से 30% ही होगी, बस कुछ बदलेगा तो कोटे का नाम, जो 30% था वो तो पहले से है, केवल उसका नाम चेंज किया गया है। इस बाबत शुक्रवार को आदेश भी जारी कर दिया गया। यही नहीं, दिव्यांग आरक्षण में भी 1% की बढ़ोतरी की गई है, इसे भी निर्धारित 30% के कोटे के तहत ही शामिल किया गया है। अभी तक दिव्यांग आरक्षण 3% था, जो बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। अब यहाँ से देखते हैं, वार्षिक परीक्षाएं जो होंगी वो भी अब आपकी ऑफलाइन ना होकर के ऑनलाइन होंगी। यहाँ से खबर आप देख सकते हैं, आईटीआई संस्थानों व वार्षिक परीक्षाएं भी ऑनलाइन होंगी, इसी सत्र से इसे लागू कर दिया गया है। राजकीय आईटीआई पांडु नगर के प्रिंसिपल ई इंजीनियर के एम सिंह ने बताया कि आखिरी वर्ष में अध्ययनरत छात्रों को छोड़कर, जिनका आखिरी वर्ष होगा आईटीआई का, उनको छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए जो परीक्षाएँ होंगी वो ऑनलाइन होंगी। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग कार्यालय से किया जाएगा। बताया कि ड्राइंग की परीक्षाओं को भी ऑफलाइन ही आयोजित कराया जाएगा, जो ड्राइंग के होंगे वो ऑफलाइन ही होंगे, बाकी जितने भी हैं वो आपके ऑनलाइन एग्जाम होंगे। अब यहाँ से देख सकते हैं, जो बार बार नहीं बढ़ानी पड़ेंगी सीटें, राजकीय आईटीआई पांडु नगर के प्रिंसिपल इंजीनियर के एम सिंह ने बताया कि अभी तक आईटीआई संस्थानों में 30% सुपर न्यूमेरेरी कोटे की सीटें बढ़ाई जा सकती थी। इस कोटे के तहत उन छात्रों को दाखिला दिया जाता था जो मेरिट में तो आते थे, लेकिन त्रुटि बस उनके नाम छूट जाते थे। हालांकि लगभग सभी सरकारी आईटीआई में हर साल 30% सुपर न्यूमेरी कोटे का प्रयोग होता था, अब ये 30% सीटें निर्धारित सीटों में जुड़ जाएंगी। मसलन आईटीआई पांडु नगर में अभी तक 2600 सीटें थी और हर साल अलग से 30% सुपर न्यूमेरी कोटे की सीटें मिलाकर करीब 3400 सीटों पर दाखिला दिया जाता था, लेकिन अब पूरी तरीके से 3400 सीटें हो जाएंगी। हर साल सीटें बढ़ाने के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बड़ी खबर थी मित्रों। जी हाँ, आईटीआई में 10% सॉरी गरीब संरक्षण गरीब सवर्ण आरक्षण के संबंध है मित्रों, ये पूरी खबर हमने आपको बताई। अब आपके एग्जाम भी ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन नहीं होंगे। आगे बढ़कर लेते हैं और खबर, जो खबर प्राप्त हुई आज लखनऊ से, आईटीआई की परीक्षा का समय 2 घंटा होगा। लखनऊ से खबर है ये, आईटीआई की वार्षिक परीक्षाओं में छात्रों को कम समय मिलेगा, जो आपका वार्षिक एग्जाम होगा उसमें अब कम समय मिलेगा। जिस परीक्षा के लिए छात्रों को पहले 3 घंटे का समय दिया जाता था, इस बार उसी परीक्षा के लिए छात्रों को मात्र 2 घंटे का समय मिलेगा। बड़ी खबर है, आईटीआई में सन 2018-19 से सेमेस्टर सिस्टम खत्म हो गया है,
आप भी देख सकते हैं इस बार ऑनलाइन परीक्षा होगी। ऑनलाइन परीक्षा के साथ ही छात्रों के परीक्षा के मिलने वाला समय भी कम हो गया है। परीक्षा पहले 3 घंटे की होती थी। अधिकारियों के मुताबिक DGT के डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग के निर्देश पर इस बार ऑनलाइन परीक्षा कराने की तैयारी है। दूसरी तरफ निजी ITI में पढ़े छात्र परीक्षा का बहिष्कार करने का मन बना रहे हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए मिलेंगे 3 घंटे। अब जो ड्राइंग के सब्जेक्ट होंगे यहाँ से देख सकते हैं आप। प्राइवेट ITI संघ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र द्विवेदी के मुताबिक इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर बड़ा होता है। अगर ऑनलाइन परीक्षा हुई तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के छात्रों को 3 घंटे का समय मिलेगा। उधर ITI ने परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, तो आप जा करके उसके साइट पर, होम साइट पर ITI के, वहाँ से परीक्षा का शेड्यूल भी आप देख सकते हैं। ओके, ये बड़ी खबर थी ITI के संबंध में। ताकि आप लोग जानते हैं ऑनलाइन एग्जाम होगा, जो वार्षिक एग्जाम आपके होते हैं, सेमेस्टर प्रणाली आपकी ख़त्म हो चुकी है, अब वो मात्र 2 घंटे का होगा। तो ये पूरी खबर थी ITI 2018-19 के संबंध में मित्रों, सोचा आप तक पहुँचानी जरूरी थी। और भी ITI के संबंध में जैसे ही, हाँ एक बात है एंट्रेंस एग्जाम के संबंध में कि कब से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, तो संभावना ये जताई जा रही है फर्स्ट वीक ऑफ मई, ठीक है ना, फर्स्ट वीक ऑफ मई में जो है आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा मित्रों, है ना। ये बड़ी खबर थी ITI के संबंध में 2019। अगर खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना जरूर भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे तेज नोटिफिकेशन ITI के संबंध में कोई भी हो आप तक सबसे पहले पहुंच सके इस चैनल के माध्यम से। ओके, तो अगर खबर अच्छी लगी हो मित्रों तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।